उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद जो वनटांगी जैसे गांवों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी थी, यहां पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सन 2018 सन में आए थे और जो जंगल में रहने वाले लोगों को लिए घर की व्यवस्था की थी। हमारे साथ बात करने के लिए बनटांगिया गांव के लोगों से बात करते हैं कि आखिर बाबा योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यहां पर क्या क्या बदलाव हुए, इसके पहले क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? हम लोग को दिक्कत पहले बहुत बड़ी होती थी, लेकिन अब इस समय कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली दो तीन चार बात की है, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाले से थोड़ी सी दिक्कत है और हमारे ज़मीन की जो चकबंदी नहीं हुआ है। बाकी और दूसरी चीज़ ये है कि जो मुकदमा हमारे ऊपर अवैध लगे हैं वो भी नहीं ख़त्म हुआ। योगी जी मंच पर बोल के गए थे कि इनका सबका मुकदमा वापस ले लिया जाएगा, वो भी नहीं वापस आज तक हुआ। कोई अधिकार मुकदमा लिखा गया था, कौन सी धारा थी, कौन सा मुकदमा लिखा गया था? इसमें ये फॉरेस्ट 26 की है, ये वन विभाग की फॉरेस्ट की 26 है, जबकि वो गलत तरीके से हम लोग पेड़ पौधा आज तक लगाया लेकिन काटा नहीं, लेकिन वो लोग फर्जी बता रहे थे कि ये लोग फर्जी काट कर कब्जा करके बस गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तीन पीढ़ी से अधिक, हमारे दादा बाबा से आज तक, हमको भी लेकर तीन पीढ़ी से ज़्यादा अधिक। आप चाहते हैं कि जो मुकदमा लिखा है हटाया जाए? वो हाँ, बस यही है, मुकदमा हटाया जाए और हमारे बाल बच्चे जो स्कूल की सुविधा नहीं है, जंगल में रहते हैं, वो बाहर जाने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि यहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन लोगों को स्कूल की भी चाहत है, रास्ता भी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए कई महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कितने बदलाव हुए, क्या उनको चाहती हैं, कैसे काम हो, क्या ताकि कश्मीर मिल गया है? हमें सबका हर एक चीज़ की सुविधा है, रास्ता का सुविधा हो जाए, बच्चन का स्कूल का सुविधा हो जाए, खेत सब बराबर हो जाए, और हमें सबके लिए हर एक चीज़ की सुविधा है। हाथ जोड़ के ही मिलती है कि एक चक्कर मुख्यमंत्री जी आ जाए यहाँ बस। खाना आप लोग किससे बनाते हैं, चूल्हे पे गैस सिलेंडर पे? लकड़ी पर खाना बनत है, गैस चूल्हा ना आई है, वकरे बाद अब तो जंगल में लकड़ी बीने जाओ तो वहू खरती रोका हुआ था कि जंगल में लकड़ी ना बीने जाओ, वहू के लिए परेशानी आई गवा है। हर एक चीज के परेशानी है, कोनो चीज के नहीं है, बाकी घर द्वार जो है तो उन सब है, ये रास्ता पेड़ा का, ये सब चीज के। अच्छा, आपके यहाँ खाना किस पे बनता है और इलाज कैसे कराते हैं आप लोग? चूल्हा पे बनाता है सर। दवा पानी कैसे होता है? हाँ, दवा पानी बाहर जाए पड़ता है, टाइम पर यहाँ है पलवार, लड़का पलवार तो जाओ, नहीं सवारी साधन से जाओ, नहीं छटपटाओ कुछ, घड़ी बर्दाश्त करो। तो बाबा जी आए तो क्या क्या बात बताए थे, क्या वादा किए थे आपसे? कुछ नहीं भाई, जो मिला तो मिला, आवास मिला हमें सबका, सोलर प्लेट मिला, शौचालय मिला, घर द्वार बना, इतना कुल सुविधा हो गया, चकबंदी भी नहीं भाई, मुकदमा एक एक आदमी के ऊपर 10-10 मुकदमा, 20-20 मुकदमा है, उन्हें समझा सकार, यहाँ पुलिस हेरत है, भाग भाग वन में लुकात है, जंगल में लुकात है, भाग भाग देहात धैल लेते हैं, बाल बच्चे ऐसे हेरा कर। बाबा जी के आने से पहले आप लोग पानी कहाँ से लाते थे, खाना कैसे बनाते थे, आपका सुविधा है? नल से बनाते लकड़ी पर। क्या क्या सुविधा मिल गई है? अब शौचालय मिला, लाइट मिला, और कल तक घर मिला। तो गांव में आने का रास्ता बना हुआ है, कैसे आते जाते हैं आप लोग? रास्ता बना हुआ है? रास्ता नहीं बना। क्या मांग करते हैं? सब रास्ता मांगे थे, मुकदमा वापस दे दिया और चकबंदी हो जा, ये कुछ ज्यादा परेशानी है, और तो कोनो परेशानी में सब करना है। बाकी सुविधा मिल रही है? हाँ, बाकी सुविधा मिल रहा है। चलो, लगातार हैं, कह रहे हैं कि हमको सारी सुविधाएं देंगे, कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं। मेरे साथ बात करने के लिए एक सज्जन से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे कितनी दिक्कत इस समय हो रही है, क्या मौजूदा हालात है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं अभी मुख्यमंत्री जी हर चीज़ दे गए, लेकिन ना रास्ता मिला, ना स्कूल मिला, क्या नाम है, ना चकबंदी हुई, मुकदमे 10-20 एक एक आदमी के ऊपर हैं, और उसके बाद में जो मकान मिल गया, क्या नाम है, सोलर प्लेट मिल गया, बिजली मिल गई, हर सुविधाएं हैं, लेकिन यही सुविधा नहीं है। आप जिला प्रशासन से कोई मांग की, मिले, मुलाकात की, कुछ बात हुई आपसे? हाँ, क्या नाम है, DM साहब से बात हुई थी, तो वो कहे थे कि क्या नाम, अब हो जाएगा। प्रदेश सरकार लगातार वनटांगियां के गांवों के रहने वालों को लगातार मूलभूत सुविधाएं देने की बात करिए, लगभग सारे काम पूरे हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जिला प्रशासन से लगातार जो है विकास करने की बात कर रही है, लेकिन अब लगातार विकास हो रहा है। गोंडा से ABP न्यूज़ के लिए किशोर कुमार की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।